हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मामा अर्थ। तो ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर, इन तीनों में से सबसे वर्स्ट कौन सा है? ट्रस्ट मी, दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं जब तक प्रोडक्ट को 10 से 15 दिन नहीं यूज़ कर लेती तब तक मैं अपना रिव्यू नहीं देती हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, क्योंकि यार आपको हम पे ट्रस्ट है, हमको आप पे ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट बनेगा तभी चैनल ग्रो करेगा। सो गाइज, इन तीनों प्रोडक्ट के रिव्यूज मैंने अपने चैनल पे दिए हैं। इन केस अगर आप लोग देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइव रिजल्ट दिया है मैंने, जैसे जैसे मैं यूज करती गई वैसे वैसे मैंने वीडियोस बनाए हैं कि किस दिन कितना हेयरफॉल हुआ, किस दिन कितना डैमेज हुआ, सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। तो वो वीडियोज भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो चलिए फिर हम अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, मेरे पास ये तीनों प्रोडक्ट है, शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल। तो इन तीनों में से सबसे वर्स्ट कौन सा है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे अच्छा कौन सा है तीनों में से वो भी आप लोगों को बताऊंगी, कौन सा क्या वर्क करता है, कितना डैमेज करता है, कितना यूजफुल है आपके बालों के लिए। तो सब कुछ अच्छे से डिटेल में बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एंड तक देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दो, ताकि इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोज जो मैं लेके आऊं वो आप लोगों तक फटाफट से पहुंच सके। सो गाइज, चलिए बताती हूं मैं आपको कि इन सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो जो सबसे ज्यादा वर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अनियन शैम्पू, एंड इसकी प्राइस है 349 रुपीज, यू कैन सी इट। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी हेयरफॉल को कंट्रोल नहीं करता है। इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलने से अच्छा है मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखा दूं मेरे वीडियो की, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बालों को कितना ज्यादा डैमेज करता है। जस्ट सी इट, सी द डलनेस ऑफ माई हेयर। कौन बोलेगा कि मैंने कंडीशनर किया है, हेयर वॉश किया, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से मैंने अपने बाल वॉश भी नहीं किए हैं। बट यार, थोड़ी बहुत तो शाइन रहनी चाहिए ना, मतलब थोड़ी बहुत जो शाइन थी ना मेरे बालों में वो भी मुझे नजर नहीं आ रही है। सी गाइज, आज भी मैंने शैम्पू किया और वॉश किया, लेकिन आप मेरे बाल देख सकते हो कितने ज्यादा ड्राई लग रहे हैं। मैं आपको कॉम करके दिखाऊंगी तो शायद अच्छे से पता चलेगा आपको। तो मैं बालों को ऐसे कर रही हूँ ना तो वो ऐसे रह रहे हैं झाड़ू टाइप के, छोटे छोटे से हो गए आगे से, तो ये सब डैमेज हुआ। सो गाइज, आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे हेयर लेंथ थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन अभी मेरे बालों को मैंने कट करवाया है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने 10 से 15 दिन यूज किया था। डैमेज के साथ साथ इसने मेरे बालों की स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मुझे अपने बालों में हेयर कट लेना पड़ा। सो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके बालों में डैमेज के साथ साथ स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कि वो प्रॉब्लम मुझे जब मैंने अपना वीडियो बना लिया था शैम्पू एंड कंडीशनर का, उसके बाद में मुझे पता चला कि इसने स्प्लिट एंड्स भी दे दिए हैं मेरे बालों को, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो लास्ट रिजल्ट आपका स्प्लिट एंड्स ही होता है उससे रिलेटेड। सो गाइज, अनियन शैम्पू बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इसका, बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है बालों को, बहुत ड्राई कर देता है, रफ कर देता है। और सिर्फ मेरा रिव्यू नहीं है, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने भी इसको यूज किया था, उनका भी सेम यही हाल था कि सबके बाल डैमेज हो गए। तो पता नहीं, जिन लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत इफेक्टिव है, मे बी उनके बालों को सूट किया होगा, लेकिन मेरे बालों को इसने पूरा से डैमेज कर दिया। सो गाइज, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है और फिजी हेयर है तो आपको ये शैम्पू कभी परचेज नहीं करना चाहिए, ये आपके बालों को और ज्यादा ड्राई कर देता है। यस, ऑयली हेयर्स है, स्कैल्प ऑयली है आपकी, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो अगर सूट करे आपके बालों को, लेकिन ड्राई हेयर्स के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी शैम्पू को। एंड नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट है वर्स्ट, दैट इज अनियन कंडीशनर। अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशनर हम क्यों यूज करते हैं? हमारे बालों को सिल्की, स्मूथनिंग, वो सब प्रोवाइड करने के लिए, कि मैनेजेबल लगे हमारे बाल, जब हम कॉम करें तो टूटे नहीं, हेयरफॉल नहीं हो, तो यही रीजन होता है कंडीशनर का। लेकिन गाइज, इस कंडीशनर को जब मैंने यूज किया था तो मुझे, जब मैंने यूज किया तो मुझे लगा था कि यार ठीक है, अच्छा है, सॉफ्ट हो रहे हैं बाल, जब पानी वानी डालते हैं तो अच्छा लगा था। लेकिन जब आपके बाल सूखते हैं ना, तो 1% भी आपको नहीं लगता है कि आपने कंडीशनर किया है अपने बालों को, मतलब आप करो या ना करो बराबर है। तो इस प्रोडक्ट को मतलब यूज करने का कोई सेंस ही नहीं है। जब मैंने इस शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज किया था तो मैंने 2-3 दिन देखा था कि कंडीशनर का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। फिर मैंने कंडीशनर को साइड किया और सिर्फ शैम्पू किया अपने बालों को, तो मतलब फील ही नहीं हुआ कि यार आज कंडीशनर नहीं किया, या इससे 2-4 दिन पहले हमने कंडीशनर किया।
तो इस पे 349 रुपीस वेस्ट करना भी मैं पागलबंदी मानती हूँ, कोई सेंस नहीं है। कंडीशनर की पूरी बॉटल मेरी भरी हुई है। इवन गाइज में मतलब मैंने तो इसको यूज करना छोड़ दिया था, दोनों प्रोडक्ट को। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यार आप तो यूज करके इन बॉटल को खत्म करो, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। उनके बालों को भी इसने डैमेज किया था। यू जस्ट इमेजिन कि जो जेंट्स के बाल होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, उनके बालों पे ऐसा इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों को रिजल्ट मैन एंड वुमेन के लिए दोनों के लिए ही नहीं अच्छे हैं ये प्रोडक्ट। थर्ड वन इज अनियन ऑयल। तो इससे रिलेटेड मैं छोटी सी क्लिप डालना चाहूंगी अपने वीडियो में, जो मैंने अपना ऑयल से रिलेटेड रिव्यू दिया था उसकी, तो आप लोग पहले थोड़ी सी वो क्लिप देख लीजिए। मेरा वीक वन का एक्सपीरियंस, जो मेरा डैमेज पहले होता था बालों का, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं लगा है। इतना मुझे पहले भी होता था, लेकिन यस वन वीक है, दो बार ही यूज किया अभी शैम्पू, तो अभी हम फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम क्या होता है। यू कैन सी इतना हेयरफॉल हुआ है मुझे आज। तो आज का जो डे था वो मतलब इतना अच्छा नहीं था हेयरफॉल को लेके, इतना सारा हेयरफॉल हुआ है। यू कैन सी दिस गाइस स्टार्टेड। क्योंकि कितने बाल टूटे हैं मेरे, वेट ए मिनट। सो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हेयरफॉल हुआ है मुझे, लेकिन यस लास्ट वीक के कंपैरिजन में तो कम है, और जो पहले टूटते थे उसके कंपैरिजन में भी कम है। तो आई एम क्वाइट मच सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। थी और अभी मैं आपको कॉम करके दिखाती हूँ। तो वन मंथ हो गया है ऑलमोस्ट मुझे इस ऑयल को यूज़ करे हुए, तो आज लास्ट डे है, अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेट मी शो यू। सो गाइज एज यू कैन सी मेरा हेयरफॉल 60-70% कम हुआ है, यू कैन सी। एंड यस एंड यस दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मामाअर्थ। मतलब मैं बेस्ट नहीं बोलूंगी, लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छा है। हेयरफॉल को कंट्रोल करता है, आपके बालों जो बालों को थोड़ा सा शाइन भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, लाइक आपने दो या तीन बार ऑयलिंग की और आप चाह रहे हो कि आपके हेयरफॉल कंट्रोल नहीं हुआ है, बाल गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस प्रोडक्ट को आपको 6-7 टाइम्स यूज करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देता है। तो मैंने भी इसको 1 month यूज किया था। दो बार मैं वीक में ऑयलिंग करती थी और उसके बाद शैम्पू करती थी। तो जब मैंने मामा अर्थ के शैम्पू के साथ इसको यूज किया, मुझे ये वाला प्रोडक्ट भी बकवास लगा। मुझे लगा यार ये भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी ये वर्क करता है। लेकिन आप शैम्पू के साथ यूज ना करो, ऑयलिंग करो और जो आप नॉर्मल अपना शैम्पू यूज करते हो वो करो, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट देता है, लेकिन एक टाइम के बाद देता है। तो मेरा हेयरफॉल भी कंट्रोल हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हेयरफॉल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजें हमारे खाने पीने पे, हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है, तो सारा ब्लेम हम प्रोडक्ट्स पे नहीं दे सकते हैं। तो यस इसने मेरे हेयरफॉल को कंट्रोल किया, टाइम लगा लेकिन ये वर्क करता है। तो बॉटल की कंडीशन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे यूज कर चुकी हूँ, थोड़ी सी गंदी हो रही है, और मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं इस चीज को, और उनको रियली इफेक्ट लग रहा है। लेडीज के बालों में इतना नहीं लगता क्योंकि हेयरफॉल थोड़ा बहुत होता ही हमें, लेकिन यस उनके बालों में उनको इफेक्ट लग रहा है इस ऑयल को यूज करने के बाद। सो अगर आपको इन तीनों प्रोडक्ट में से कोई परचेज करना है, तो यू कैन गो फॉर मामा अर्थ अनियन ऑयल। इट रियली वर्क्स, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन ये अपना काम जरूर करता है। सो गाइज ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट मामा अर्थ प्रोडक्ट। मैं मामा अर्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेस्ट मामा अर्थ के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, टॉप 3 या टॉप 5 जो भी है, उन पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं फॉर श्योर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी, ऑनेस्ट रहेगा मेरा रिव्यू। एंड यस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।